अस्सलामुअलैकुम नाजिन, मैं हूँ किरण खान। प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। नाजिन, शायकीन खेले गए भारत और अफगानिस्तान मैच के नतीजे पर शकूक का इजहार करने लगे हैं। मैच फिक्स होने का ट्रेंड चल गया। ब्लू शर्ट्स को गुज़श्ता दो मैचेस में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए इसको अपने तीनों अगले मुकाबले बड़े मार्जिन से जीतने के साथ दूसरी टीम की हार पर भी नज़र रखना है। पहले मैच इन फॉर्म अफगान टीम का था, जिसमें ब्लू शर्ट्स ने आसानी से बड़ी फतह समेट ली। रेड भी मनफी से मस्बत हो गया। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दानिश मलिक साहब, जो कि सहाफी हैं, तजिया निगार हैं और करंट इश्यूज पर अपनी खास नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है दानिश साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल दानिश साहब, अब मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ, पूछने जा रही हूँ। ये जो T20 वर्ल्ड कप जो के मैचेस चल रहे हैं, कल जो मैच हुआ, इंडिया ने 67 रन से अफगानिस्तान को शिकस्त दी और इंडिया का रन रेट नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसके बावजूद जो है, काफ़ी सोशल मीडिया पर शको शुबात का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तानी भी और बाकी भी लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है फिक्सिंग था, मैच फिक्स था, इसलिए जो है इंडिया अपना रन रेट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब ले गया। तो आप इस हवाले से क्या नज़र रखते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं इस हवाले से, तो आप बताइएगा। अच्छा, पहले तो ये चीज़ कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है, अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इसके शायकीन हैं, इसको पसंद करने वाले हैं। और इस खेल का असर और इस खेल का जो रद्द अमल है, चाहे हार हो या जीत हो, दोनों मुल्कों की अगर बात की जाए, तो आवाम की जानब से खुलकर सामने आता है और बड़ा जल्दी आता है बनिस्बत दूसरी खेलों के। तो एक तो ये चीज़, दूसरा इंडिया की जो मुसलसल नाकामी थी और इसके बाद कामयाबी मिलना, और जिस अंदाज में कामयाबी मिली, जो शायकी ने क्रिकेट है उन्होंने मैच देखा भी, तो अच्छा अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया में तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक वैसे भी क्रिएट कर दी जाती हैं, या मामला इतना होता नहीं है संगीन जिसको संगीन बना दिया जाता है, या इतनी मतलब बड़ी बात होती नहीं है जिसको ज्यादा फैला भी दिया जाता है। और दूसरा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोशल मीडिया बहुत जल्दी रिएक्शन भी दे देता है, बाज़ अच्छे इकदाम भी होते हैं। और वही बात है कि जो मैंने शुरू में कही कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो यही वजह है कि उसमें हल्की सी भी अगर हमें कोई ऐसी चीज नजर आती है जो दिखाई देती है, जो उसका एक नेगेटिव पहलू होता है, वो भी फौरी तौर पर आया हो जाता है। तो अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से हारी है, और बिलाशुबा इंडिया को जरूरत थी कि वो ये जीत जरूरत थी और ज्यादा मार्जिन से जीतना जरूरी था, तो ये तमाम तर बातें इस तरफ लेके जाती हैं, इशारा करती हैं कि मैच फिक्स था और अफगानिस्तानी जो टीम है, अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और अगर पहले बात की जाए अफगानिस्तान के जितने मैचेस हुए हैं उसमें शानदार परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा टीम खेल रही थी। और अगर आप पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने फतूहत समेटी, उसमें अगर अफगानिस्तान के मैच की बात करें तो पाकिस्तान के साथ वो बहुत अच्छा खेली, उन्होंने बहुत अच्छा एक मुकाबला किया और इसके बाद मैच पाकिस्तान के हक में एंड पे जाके हुआ, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन इंडिया के साथ उनकी परफॉर्मेंस यकतरफा सी लग रही थी, फील्डिंग की बात करें और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि हम एकदम से तो नहीं कह सकते, वो तो प्रूफ जब आगे चल के अगर इस पे होती है इंक्वायरी होती है, ICC देखता है, तमाम क्रिकेट बोर्ड है वो देखते हैं, तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन अब तक जो अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस है वो इशारा करती है कि मैच फिक्सिंग है। अगर ये चीज साबित हो जाए कि इंडिया और अफगानिस्तान की मैच फिक्सिंग के बुनियाद पर ये जो मैच हुआ है, तो अगर ये बात साबित हो जाए तो टीम को, इंडियन टीम को क्या कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या होगा इस पे? देखिए, अगर बात आपकी कुछ हद तक तो है कि इससे पहले भी बहुत से मैचेस हुए हैं या कई खिलाड़ियों पे भी ऐसे इल्जाम हुए हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जद में आ चुके हैं। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ICC का ये समझ लें कि वो एक चौधरी है, और उस पर बात अगर आ भी जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि, पहली तो बात है कि ये बात आगे तक नहीं पहुंचेगी, मुतलका इदारे इसकी इंक्वायरी मुश्किल ही है कोई करें, लेकिन अगर वो चली भी जाती है तो इंडिया को, मेरा नहीं ख्याल, जो मेरी जाती राय है कि इंडिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बिल्कुल, क्रिकेट एक बहुत बड़ी खेल और इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती है पाकिस्तान की तरह, क्योंकि जो अब नॉर्मल जो मैचेस वगैरह होते हैं, मैच वगैरह होते हैं, उनको भी देखा जाता है। तो T20 वर्ल्ड कप तो वैसे ही ये नाम भी इतना अट्रैक्टिव है कि सब सुनते साथ ही सबका जो है ध्यान हो जाता है कि भाई मैच है T20, तो लाजमी सबने देखना है। तो हार या जीत, तो अवामी रद्द अमल, जो हार या जीत पर तो अवामी रद्द अमल सामने आता ही है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने जो अपनी मुसलसल हार को जीत में बदला है, तो इसमें सियासत का कितना जो है हाथ है, सियासी कितना इसमें हाथ है इस हवाले से? देखें, कुछ चीज़ें खुल के
सामने आती हैं और कुछ चीज़ों पे बहस की जा सकती है, यानी उसमें उसका तजिया किया जा सकता है, कुछ इशारे होते हैं जो लेके जाते हैं। तो बिला शुबा अगर क्रिकेट की सियासत और क्रिकेट पे सियासत की बात की जाए तो दोनों लिहाज से देखा जाए तो इस पर कोई हमें दो राय नहीं मिलती, ऐसा हो भी सकता है। और दूसरा अगर बात की जाए अफगानिस्तानी टीम की, वही मैंने आगे कहा कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अचानक से उस टीम का इस तरह से परफॉर्मेंस देना और इस तरह से परफॉर्म करना तो ये सवालात ज़रूर खड़े कर रहा है। और बिला शुबा जिस तरह आपने कहा कि अफगानिस्तान इंडिया की टीम को जीत की ज़रूरत थी, रन रेट जिस तरह आपने शुरू में भी बात की, रन रेट नेगेटिव था तो अब उसको पॉजिटिव की तरफ और ज़्यादा मार्जिन से जीतना भी ज़रूरी था। तो इसमें यह भी पहलू है कि हो सकता है इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस उनकी वाकई जेन्युइन हो, लेकिन बात वही अफगानिस्तान टीम पे आके बात रुकती है कि उनकी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इस तरफ लेके जाती है और सियासत का पहलू नुमाया होता नजर आता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये चीज़ देखी जानी चाहिए और ऐसा लगता है कि सियासत का असर हुआ है, सियासत इस पर खेली गई है। और खेल में यानी क्रिकेट खेल में जो है सियासत हमें कुछ पहले भी अगर देखें माजी में भी ऐसा होता रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो बात वही आ जाती है कि अगर इंक्वायरी हो तो फिर तमाम चीजें सामने आएंगी, तो इस पहलू को भी देखना होगा। बिल्कुल, अफगानिस्तान की टीम ने शानदार मैच खेले मगर इंडिया के साथ जो उनका मैच था वो बेनकाब होते हुए नजर आया। अगले मैच किसके साथ हैं अफगानिस्तान के, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छा आपका सवाल है क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है, जो अफगानी खिलाड़ी हैं, वो इंडिया के मैच से पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अचानक से उस टीम में इस तरह से हो जाना और फिर इंडिया का क्रिकेट पे असर, अफगानिस्तान पे भी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ है, 7 नवंबर को है, तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, उस पर फिर अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस हमें नज़र आ जाएगी कि वहाँ पे वो कैसा परफॉर्म करते हैं और कुछ चीज़ें आइंदा चल के बहुत वाजे हो जाएंगी। और दूसरा आपने पहले भी सवाल किया था ICC का कि इंडिया की क्रिकेट टीम को अगर ये मैच वाकई फिक्स है तो क्या नुकसान पहुँचेगा, तो अगर उस मतलब देखा जाए ऑफिशियली नुकसान पहुँचे ना पहुँचे, यानी इदारे की तरफ से ICC की तरफ से नुकसान पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू आगे हम तक ज़रूर पहुँचाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैच जो अफगानिस्तान का था इंडिया के साथ वो फिक्स था तो आइंदा 1-2 दिन तक इससे मुतल्लिक जो है वो बहुत सी चीज़ें और मज़ीद सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, इस जो शक व शुबात हैं ये भी ज़ाहिर हो जाएंगी कि वाकई शक थे या फिर हकीकत थी, साबित तो हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दी। तो आप क्या समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस हो रहे हैं तो सारी सूरत हाल आपके सामने है, तो T20 वर्ल्ड कप जो है कौन सी टीम अपने नाम कर सकती है, आप क्या समझते हैं? वैसे तो ये एक ऐसा खेल है, जहर कोई भी ये खेल है उसको खेल की नज़र से देखना चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस से भी यहाँ होती हैं। तो पाकिस्तानी टीम, ये नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम इस सेमीफाइनल तक जो है वो पहुँचेगी। इस पे गैर मुल्कियों का भी अगर देखा जाए, जो सबका खिलाड़ी हैं या जो मौजूदा खिलाड़ी भी हैं, वो भी ये बात करते नज़र आते हैं कि पीटरसन की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड, यानी पाकिस्तानी टीम को अगर कोई टक्कर दे सकती है तो वो इंग्लैंड की टीम है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला काफ़ी कांटेदार होगा और फाइनल तक इंशाल्लाह ये मैच जाएगा और हमारी तो दुआएं हैं कि पाकिस्तान विन करके लौटे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक और चीज़, दानिश मलिक साहब जो कि सोशल मीडिया पर से कोई भी टीम जो है हारती है उस पर काफ़ी जो है तबसरे तो चलो होते हैं, वो तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन उस पर मीम्स भी बनाई जाती हैं और काफ़ी उनका मजाक उड़ाया जाता है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जहाँ तक मीम्स की बात है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वही ना, आगे मैंने शुरू में बात की कि फौरी तौर पर हमें असर नज़र आता है। तो सोशल मीडिया जाहिर सी बात है एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है, हर इंसान के पास मोबाइल है, कोई वीडियो बनाता है या कुछ अपना तजिया जो है वो पेश करने की कोशिश करते हैं, तो सोशल मीडिया, ट्विटर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है, बाकी प्लेटफॉर्म यूट्यूब, तो वहाँ पे वो अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। तो मीम्स बनाना कोई इसमें बुरा नहीं है। अच्छा, मुझे मीम्स ये भी याद आ गया, फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था कि जो इंडिया की टीम है वो एक लिहाज से सेमीफाइनल में पहुँच सकती है कि वो अगर न्यूजीलैंड को ये कहे कि UAE में सिक्योरिटी के मसाइल हैं और मेल जो हैं वो फेक मेल उनको सेंड की जाएँ तो उससे हो सकता है न्यूजीलैंड की टीम वहां से चली जाए, तो ऐसे मीम्स बनते हैं। लेकिन अगर इंडिया के मीडिया की बात की जाए तो
इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा एक शोर किया, वबीला किया इंडिया की मुसलसल हार पे और स्पेशली पाकिस्तान की हार पे। तो मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, इससे खिलाड़ी प्रेशर लेते हैं और बहरहाल खेल को खेल की हद तक ही रखना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दानिश मलिक साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इतने अच्छे तरीके से हमें जो है मैच के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।